अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश से वंचित करने वाले एवं शासन की सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाले अधीक्षक पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने ज्ञापन दिया है। दरअसल शासकीय अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय बालक छात्रावास फूटी कॉलोनी हुराली मुरार ग्वालियर के पूर्व अधीक्षक उत्तम कुमार बंसोरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही सजाति के 45% बच्चों को उसमें प्रवेश दे दिया है। छात्रों में प्रवेश की प्रक्रिया भी मनमानी तरीके से पूर्व अधीक्षक द्वारा की गई है। जाडव जाति के सभी छात्र छात्रावास में सारी रात उत्पात मचाते हैं क्योंकि सभी छात्र लोकल जिले के हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रदेश के सभी जिलों के हैं। ऑनवर्ड 100 छात्र दर्ज होने जाने से छात्रों का प्रवेश और नहीं हो पा रहा है। पैतृक विभाग के 10 छात्र आवेदन लेकर घूम रहे हैं जो कि कॉलेज समक्ष से बाहर के हैं। छात्रों ने मांग की है कि उत्तम मंसौरिया को इस कैंपस से बाहर दूरस्थ स्थानांतरित किया जाए, साथ ही कई बिंदु भी उनके द्वारा बताए गए जिस पर जांच की जाए। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस संबंध में छात्रों से बात भी की। में रहते हैं जी, मैं शासकीय अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय बालक छात्रावास उरावली मुराद ग्वालियर। सुनने में आया कि आपको कोई समस्या है छात्रावास में, और विशेषकर अधीक्षक से क्या समस्या आ रही है? सर, हमें जो पूर्व अधीक्षक श्री उत्तम कुमार बंसोदिया जो 10 वर्षों से यहाँ पर हमारे कैंपस में पदस्थ है और आए दिन नए षड्यंत्र रच कर हमको परेशान करते हैं। हालांकि हमको भगाने की बात करते हैं, हमको डराते धमकाते कि तुम्हारा यह क्या काम है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे बोलते हैं डेली डेली। आपने कभी ये नहीं कहा उनसे कि आप एक सरकारी नौकर हैं और हमारे रक्षक के रूप में आपको यहाँ पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन ने पदस्थ किया है, तो इस तरह से कहना चले जाओ ये कहीं ना कहीं अमानवीयता की श्रेणी में आता है? जी जी हाँ, सही कहा आपने। हमने काफी बार उनको सूचित किया, हमने आवेदन पर आवेदन दे देकर यहाँ तक कि आयुक्त को भी दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिया, फिर कमिश्नर को भी दिया, और दिया तो दिया जनजाति कार्य भोपाल को भी दिया गया आवेदन, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इन बंसोदिया सर राजनेताओं को बुला बुला कर हमको डराए धमकाते हैं। पिछले कितने साल से ये अधीक्षक यहाँ पर पदस्थ है? 10 वर्षों से पदस्थ है सर। तो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन की जो स्थानांतरण नीति है उसका भी पालन विभाग में पदस्थ उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं? जो कुछ अधिकारी भी है जो इनकी अवहेलना करते हैं, जो इनकी तरफदारी करते हैं सर, इसी कारण वो अभी तक रुका हुआ है। आपने कलेक्ट्रेट में भी धरना प्रदर्शन दिया और कलेक्टर साहब को भी पत्र व्यवहार किया, तो आज तक कोई कार्रवाई हुई इस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, आज तक कार्रवाई हुई नहीं। खाली हमें आश्वासन दे दिया गया कि हो जाएगा काम, पर हुआ कुछ नहीं। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा था, उस समय भी हमने उनको आवेदन दिया था कि हमारी ये समस्या है, फिर भी उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिखाई। आप कलेक्टर साहब से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन कहना चाहते हैं कि हमारी अगर जल्द से जल्द समस्याएं नहीं सुलझाई गई तो हम धरने में बैठेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। भारतीय युवा पीढ़ी, जैसे कि आप युवा हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, और यदि युवा पीढ़ी धरने पर बैठ जाएगी तो देश कैसे चल पाएगा? सर, देश कैसे चलेगा जब ऐसे अधिकारी है ऐसे जो छात्रों की समस्या ही नहीं सुनते, उनको बार बार दौड़ाते हैं, कलेक्टर दौड़ाते हैं, कमिश्नर दौड़ाते हैं, यहाँ तक कि दौड़ा के बिठा के बोल देते हैं कि तुम्हारी समस्या सुन ली गई है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चले जाओ। आपका ये धरना प्रदर्शन या जो भी है वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, हड़ताल में भी बैठेंगे। मेन मांग आपकी क्या? मेन मांग हमारी यही है कि हमारा एसटी छात्रावास पूर्ण रूप से एसटी हो, और जिनके एडमिशन नहीं हुए और जो एडमिशन बंसोदिया सर ने किए हैं जो। सर, आप सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर संभाग ग्वालियर है। शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास जो कि फूटी कॉलोनी मुरार में स्थित है, वहाँ छात्रों की बाढ़न के विरुद्ध काफी शिकायतें हैं। सर, आप एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ग्वालियर के हैं, उन्होंने कलेक्टर के यहाँ भी ज्ञापन दिया, यदि समय रहते आप ये कार्रवाई या उनके पक्ष में या विपक्ष में नहीं निर्णय लेके फैसला करते तो कहीं ना कहीं उनको दूसरे अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, क्या कहना? कौन से अधीक्षक के लिए शिकायत है, किस स्टूडेंट्स की बताइए? सर, ये मेरे पास एक है कि उन्होंने आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल को भेजा है, जिसमें एक बंसोरिया करके अधीक्षक है, उनके कई बिंदुओं पर उन्होंने शिकायत की है और उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि बंसोरिया एसटी के छात्रों से एसटी के छात्रों के नियमों की अनदेखी करते हुए सीटें भर दी हैं बंसोरिया ने, ये छात्रों का एलिगेशन है, और उन्होंने जो आयुक्त को भोपाल में जो लेटर भेजा है वो मेरे पास है, तो सर ये कहीं ना कहीं गलत है। बंसोरिया छात्रों की शिकायत के बेस पर बंसोरिया जी को हॉस्टल से हटा दिया गया, वर्तमान में बंसोरिया जी वहां पर अधीक्षक नहीं है, वहां पर अशोक शर्मा है। बंसोरिया जी अलग हॉस्टल में
अधीक्षक है, उस हॉस्टल में अधीक्षक नहीं है। सर छात्रों की ये मांग थी कि भाई बंसूरिया जी के द्वारा उन्हें किया था, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई और उनको वहां से हटा दिया गया। सर बंसूरिया जी के बारे में सुनने को आया कि लगभग पिछले 10 साल से एक ही छात्रावास में पदस्थ हैं और बच्चों की जो शिकायत है उसमें यह है कि सरकारी क्वार्टर में अपने अलावा एक रिश्तेदार जितेंद्र उसको भी किराए पर रखे हुए और पृथक से अलग से उनको क्वार्टर दिया गया है, पूरे परिवार के साथ वो रहता है, तो ये कहीं ना कहीं मानवीयता की श्रेणी में नहीं आता सर? जहाँ तक ये आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं उसकी जाँच कर लूंगा और अगर जाँच में सही पाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लड़कों का एलिगेशन है कि विभाग समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करता। बच्चे चूंकि स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा हो सकता है, पर मैं उसकी जांच कर लूंगा और अगर ये बात सच होगी तो उस पर कार्रवाई की जाए। सर एक जिम्मेदार आप प्रशासनिक अधिकारी हैं ग्वालियर के, बच्चों का एलिगेशन है कि समय रहते यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चों को भी कोई अगर गलत कदम उठा लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहली बात तो ये है कि बच्चों के जिस तरीके से बंसूरिया जी के लिए उन्होंने बोला था तुरंत कार्रवाई की गई थी, और ये आपका बता रहे क्वार्टर वाला मैटर, 10 साल वाला मैटर, ये चूंकि प्रशासनिक मैटर होता है, स्थापना संबंधित मैटर होता है, इसलिए उसकी भी जांच कर ली जाएगी, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 10 दिन पहले एक ऐसी छात्र आयुक्त कार्यालय में भेज दिए और शिकायत कराई गई कि रोजाना आलू बनाए जा रहे हैं, खाना सही नहीं बनाया जा रहा है, छात्रावास में अधीक्षक हमारी जाति का मतलब गलत उपयोग करता है, तो ये सब चीजें सर कहीं ना कहीं कौन इन बच्चों को बरगला रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा सर? ये सब एलिगेशन ही है और इस तरीके की ऐसा बताते हैं कि जब उस पर पूछा जाता है कि भाई ये चीज है क्या, तो सभी के द्वारा मना कर दिया जाता है, नहीं सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बच्चों में जो भी है इसके लिए हम बिल्कुल देखेंगे, उस हॉस्टल में देखने जाएंगे, उन बच्चों से बात करेंगे कि भाई ऐसा कौन आपको बरगला रहा है कि जो इस तरीके का है, जबकि यहाँ तक मेरे पास इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी को जातिगत रूप से किसी ने अपमानित किया या शब्द बोला किसी छात्र के द्वारा। ऐसी शिकायत बच्चों ने कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर साहब को भी शिकायत की, तो कहीं ना कहीं उनको वहां जाना पड़ा, विभागीय अधिकारी आप हैं आपके पास ना आके वहां जाना पड़ा, तो ये एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है कि आपके अधिकारी होते हुए भी बच्चों को इधर उधर। देखिए स्टूडेंट्स जाने के लिए स्वतंत्र है, पर वो उनके पास भी इसीलिए गए थे कि बंसूरिया जी को हटाया, तो उनको बंसूरिया जी को तो हटा ही दिया गया ना, उस पर कार्रवाई कर दी गई। वर्तमान में वो सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश हैं।